SP of 15 articles. SP of 15 articles is equal to CP of 12 articles. Find its gain and loss in percent. हिंदी वाले लिखे 15 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। एसपी ऑफ 15 आर्टिकल्स इज इक्वल टू सीपी ऑफ 12 आर्टिकल्स। यदि 15 वस्तुओं का विक्रय मूल्य किसके बराबर है? 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य के बराबर। तो आपको लाभ हानि बताना है ना, तो लाभ हानि बताने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले सीपी और एसपी को फाइंड आउट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सीपी कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस के सामने देखेंगे हम क्या चीज है 15, यानी क्रय मूल्य आपका आ गया 15 रुपये डायरेक्ट। और एसपी के सामने क्या चीज है, तो आपका एसपी आ गया 12 रुपये। तो क्या हुआ, गेन या लॉस? 15 रुपये में खरीदा, 12 रुपये में बेच दिया, क्या हुआ लॉस या गेन? लॉस। लॉस कितने रुपए का हुआ? 3 रुपए का। अब उसने कहा फाइंड इज गेन एंड लॉस इन परसेंट, तो लॉस और गेन किस चीज पर फाइंड आउट किया जाता है? सीपी पे। सीपी कितना है? 3/15 मल्टीप्लाई बाई 100। 3 × 5 = 15, 20%। एक कोड लिख लीजिए सबसे पहले, ₹144,025,026,146। ये जो कोड होगा आपका जनवरी से दिसंबर तक को शो करेगा, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। इस कोड का फायदा ये होगा कि आप कोई भी तारीख निकाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन लिखिए, 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 को क्या था? तो 15 अगस्त 1947 के अलावा कोई भी तारीख आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपने देखिए कैसे लिख रहा है, 15 को 15 लिखेंगे, अगस्त का कोड देखेंगे यहाँ से, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त 3, तो खाली 3 लिखेंगे ऐसे, लास्ट के दो डिजिट लिखेंगे 47 में लास्ट के दो डिजिट 47, और लास्ट के जो दो डिजिट होंगे उनको आपने हमेशा 4 से डिवाइड करना है, यानी 47 को 4 से ही डिवाइड करना है, रिमाइंडर बचा आपका 3। इससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ भागफल उठाना है। क्वेश्चन कितना आया? 11। उसको आपने यहाँ लिख देना है, सबको ऐड कर दीजिए, 76 आ चुका आपका। लास्ट स्टेप आपका, इसको आपने हमेशा 7 से डिवाइड करना है, 7×10 = 70, 6 रिमाइंडर बचा आपका। तो जो आपका रिमाइंडर होगा वही आपका आंसर होगा। और फर्स्ट डे ऑफ द वीक क्या मानते हैं, कोई मंडे मानता कोई संडे मानता है, तो हम पहला दिन कौन सा मानेंगे? संडे। मंडे भी मानते हैं, पहला दिन संडे मानेंगे इस रूल के अकॉर्डिंग। तो 6th डे कौन सा हो गया आपका? फ्राइडे। तो 15 अगस्त 1947 को आपका फ्राइडे था। इसके लिए कुछ रूल वगैरह बताऊंगा मैं आपको, लिख लीजिए एक बार, आप थोड़ा एक कोड लिख लीजिए। फर्स्ट आएगा ना, फर्स्ट किसको शो करेगा? संडे। टू किसको शो करेगा? मंडे। इसी टाइप से 3, 4, 5, 6, 6 किसको शो करेगा? फ्राइडे। और 7 या 0 वो किसको शो करेगा? सैटरडे। तो 7 आ जाए या 0 आ जाए वो हमेशा शनिवार को शो करेगा, और 7 कभी बचेगा नहीं। 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 0, और 0 मीन्स सैटरडे।
ठीक है, एक सेंचुरी कोड और लिख। देखिए, नाइनटीन में रिमाइंडर इज योर आंसर। 20 में रिमाइंडर माइनस वन, 21 में रिमाइंडर माइनस थ्री, इसी टाइप से 18 में रिमाइंडर प्लस में टू, 17 में रिमाइंडर प्लस में फोर। ऊपर जाएंगे प्लस, नीचे जाएंगे माइनस। एक और लिखना तारीख, 26 जैन, 2020 डाल देते हैं, कुछ नया सीखने को मिलेगा। 26 जनवरी 2020 को क्या होगा? देखिए, 26 को 26, जैन का कोड वन, वन को हम जीरो लिख सकते हैं, लास्ट के टू डिजिट लेकर चल रहे हैं हमने हमेशा। 20 को 4 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 5, 05 लिख सकते हैं। कुछ नहीं करना, आपने इसको ऐड कर देना है। फिफ्टी टू जो आपका है, आपने लास्ट टाइम किससे डिवाइड करना है? ये 7 से, 3 आया जी आपका। और रूल के अकॉर्डिंग 3 कौन सा डे होता है? संडे, मंडे, ट्यूसडे, उसके अकॉर्डिंग तो ट्यूसडे आंसर आना चाहिए ना, लेकिन रूल के अकॉर्डिंग मैंने बताया। अगर 20 सेंचुरी में आप कर रहे हैं, देखिए 2020, 2021, 2023, यानी 2000 से लेकर 2099 तक, राइट? तो रिमाइंडर में से क्या माइनस करेंगे? वन। तो हमारा रूल बन गया, 3 में से 1 करें 2। तो 2 कौन सा डे होता है? संडे, मंडे। तो हमारा आंसर क्या आया? मंडे आना चाहिए, राइट? लेकिन यहाँ पर एक रूल और लगेगा, रूल लिखिए, एक अलग से रूल देखना आपने। जनवरी या फरवरी का महीना हो, कौन सा महीना, और साथ में लीप ईयर हो। लीप ईयर है ना 2020, फरवरी में 29 दिन होते हैं। जनवरी का महीना हो या फरवरी का महीना, और साथ में लीप ईयर हो, तो एक और माइनस होगा, वो चाहे किसी भी शताब्दी के अंदर होता हो। लास्ट क्वेश्चन में हमने कौन सा किया था? 15 अगस्त 1947। अगर वहां होता 15 जनवरी 1992, तो वहां पर भी एक माइनस करते। किस चीज का? जनवरी फरवरी लीप ईयर, वो चाहे किसी भी सदी में हो, करना ही करना है, राइट? तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, अभी एक और माइनस करेंगे। 2 में से बन गया वन, वन तो फर्स्ट डे कौन सा होता है? संडे, तो उस दिन संडे होगा जी।